गाइस मैं आज बात करने वाला हूँ कि अगर आपका बजट है 10,000 और आपको एक फ़ोन ख़रीदना है तो आपको बताऊँगा कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले फ़ोन का नाम आता है रेडमी 9 प्राइम। ये काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे एमोलेड डिस्प्ले तो आपको देखने को नहीं मिलता, ये एक डिसएडवांटेज है। बट आपको गेमिंग के लिए अगर एक फ़ोन चाहिए, रेडमी 9 प्राइम काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। 9,999 रुपीज़ में 4GB प्लस 64GB आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है अंडर 10,000। सो गाइस, अगर आपका बजट है अबाउट 8,000 के आसपास और आपको एक फ़ोन चाहिए तो यहाँ पे एक फ़ोन आता है रियलमी C12 जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक गेमिंग प्रोसेसर मिल जाता है G35 का और यहाँ पे हमें 6.5 इंच का एक डिस्प्ले मिल जाता है, IPS डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे हमें TFT डिस्प्ले देखने को मिलता और यहाँ पे 6000mAh की बैटरी भी मिल जाती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और आपका बजट है अबाउट 7,000 के आसपास, 7,400 या फिर 7,500, तो यहाँ पे रियलमी C11 काफ़ी ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा आपके लिए क्योंकि यहाँ पे हमें 5,000mAh की बैटरी मिल जाती है, ड्यूल कैमरे का सेटअप मिल जाता है और यहाँ पे 6.5 इंच का डिस्प्ले मिल जाता है विथ वाटर ड्रॉप नॉच। सो गाइस, आपको 10,000 में मैंने बता दिया कौन सा फ़ोन आपको लेना चाहिए। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।